सूरत यासीन हर मुश्किल के हल का इलाज है और इसमें तीन चार रिवायतें। एक रिवायत में कि एक दफा यासीन पढ़ना दो कुरान के बराबर है। दूसरी रिवायत में कि जो फजर के बाद यासीन पढ़ ले 10 कुरान के बराबर है। और तीसरी रिवायत में कि एक दफा सूरह यासीन की तिलावत 25 दफा कुरान करीम पढ़ने के बराबर है। सूरत यासीन रात को पढ़ना अलायदा अमल है, उसकी अलायदा बरकात है। जैसे इज्जत का तहफ्फुज, रिज़्क की बरकत, मुसीबतों का टल जाना, परेशानियों का दूर होना, मुश्किलात का हल होना, ये रात के पढ़ने का अमल है और जितनी देर से पढ़ी जाए इस कदर मुअस्सर है। और दिन के अंदर पढ़ने से फुतूहात होती है, मुरादें मिलती है, आदमी पर किसी का गलबा नहीं हो सकता है। मुसलमान के तीन अमाल ऐसे हैं कि अगर उनका एहतमाम कर ले तो चौथे अमल की जरूरत नहीं है। एक फातिहा के साथ किसी भी वक्त 24 घंटे में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना। दूसरा, हर फर्ज नमाज के बाद सुन्नतों के लिए जगह बदलते बदलते, या जिन नमाजों के बाद सुनन नहीं है फराइज के फौरन बाद, आयतुल कुर्सी एक दफा पढ़ना। और तीसरा अमल सूरह यासीन का 24 घंटे में कम से कम एक बार इसकी मुकम्मल तिलावत करना। बेहतर होगा कि दिन के किसी नमाज में हो। इस पर कलाम है कि यासीन क्या चीज है, तो दो कौल मशहूर है। एक ये कि इस्म मिन अस्माइल्लाह और सिर्र मिन अल असरार, उस माना में जिस तरह अलिफ लाम मीम और अलिफ लाम रा है उस तरह यासीन। और दूसरा कौल ये है कि तौहा और यासीन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जमीला है, जैसे मुज़म्मिल और मुद्दसर है। उलमा ने अजीब बात लिखी है कि जैसे इंसान का दिल उसकी लंबाई के एतबार से और ऊपर से नीचे के एतबार से एक खास महल में वाकया है, कुरान करीम फातिहा से वन्नास तक देखा जाए तो यासीन उस जगह वाकया है जिस जगह सीने में हमारा दिल वाकया है। और हदीस में है कि इकरउ अला मौताकुम यासीन, मरने वालों के यहां यासीन पढ़ लो। अल्लाह ताला इससे नज़े रूह में आसानी कर देता है। तफसीर ज़ाहिदी में लिखा है कि मलकुल मौत जब किसी की रूह कब्ज करने आ जाता है और वहां सूरह यासीन पड़ी गई हो तो वापस जाके बारगाह इलाही में अर्ज करता है कि मैं उसकी रूह कैसे कब्ज कर लूं, वो सूरह यासीन पढ़ चुका है। वो सूरह यासीन के एक एक हर्फ पर इतने फरिश्ते नाजिल हो के वहां मौजूद है तो अल्लाह ताला जन्नत का फरिश्ता रिजवान को भेज देता है और वो उस शख्स को आके जन्नत के एक एक दर्जे और नेमत की खुशखबरी दे देता है कि जन्नत बिल्कुल मुंतजर है और देर हो रही है, तो यूं वो खुश होकर के रूह दे देता है। सूरत यासीन हर मुश्किल के हल का इलाज है।